हेलो दोस्तों, देखिए ये इलेक्ट्रिक चेनसो मशीन DCA कंपनी का एक ऐसा मशीन है सबसे अलग। अपने अभी तक जितने भी पावर टूल्स मशीन देखे हैं सबसे अलग मशीन है। इसमें जो कनेक्शन है ना, तो आप देखिए इसमें कनेक्शन पहले डायरेक्ट सर्किट बोर्ड में जा रहा है, उसमें स्विच भी सर्किट बोर्ड के साथ अटैच है। उसमें आपको बहुत सारे वायर देखने को मिलते हैं। इसमें एक स्विच है, देखिए तो स्विच आपको ओपन करके हम दिखा रहे हैं। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ की है ना सबसे अलग है। तो इसमें स्विच को आपको ऑन करना है, उसके बाद आप मशीन को आप चला पाओगे। इसमें जो कनेक्शन है ना सबसे अलग है। आपने अभी तक जितने भी फील्ड कॉयल देखे हैं उसमें आपको चार वायर देखने को मिलते हैं। दो वायर आप कनेक्शन देते हो और दो वायर से आर्मेचर में कनेक्शन जाते हैं। इसमें ऐसे नहीं है। इसमें क्या है आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे अलग मशीन है, अभी तक मैंने जितने भी मशीन रिपेयर किए सबसे अलग मशीन मेरे को ये लगा है। तो मशीन को हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, आप भी देखिए। तो इसमें फील्ड कॉइल को हमें बाहर करना है, बाहर करने के बाद आपके साथ हम वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो को आप पूरा देखिए। पेट्रोल चेनसो मशीन में जैसे आगे है आपको एक स्विच मिलते हैं, स्विच को ऑफ करके रखने से जब इंजन चलेंगे स्विच ऑन करने से आपको चेन घूमेंगे नहीं। इसमें आपको ऐसे स्विच दिया है, उसको आपको पहले ऑन करना है, उसके बाद आप मशीन को चला पाएंगे। ऐसे कंपनी वाला मशीन में देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो कनेक्शन दिया है थोड़ा अलग है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। ओपन करने के बाद आप देखिए, जो आर्मेचर कंपनी यूज़ किया है ये आर्मेचर नॉर्मल जो मशीन होता है ना, जो मार्केट में चेनसो मशीन मिलते हैं, देखने में सेम है। फील्ड कॉइल भी सेम है। इसमें कनेक्शन को कंपनी ने थोड़ा चेंज किए हैं। इसमें फंक्शन बहुत सारे दिए हैं। तो मेरे पास रिपेयर करने लेके आया है, उसमें कनेक्शन नहीं आ रहा, मशीन बंद पड़ गया। तो हमें खोल के चेक करना है उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो हम पहले सभी पेयर पास को अलग अलग से बारीकी से चेक करते हैं, इसमें क्या टेक्नोलॉजी कंपनी दी है वो भी हम चेक करते हैं। हमें फील्ड कॉइल को बाहर करना है। सभी मशीन में फील्ड कॉइल हम जैसे बाहर करते हैं, इस मशीन में सेम प्रोसेस से हम इसको बाहर करते हैं। तो बहुत ही सावधानी से आपको बाहर करना है, टूट जाने का डर लगा रहता है। इसमें जो बॉडी है ना बहुत ही लाइट है। मैंने फील्ड कॉइल बाहर कर लिया है। तो फील्ड कॉइल बाहर करने के बाद इसमें मैंने देखा बहुत सारे वायर देखने को मिलते हैं। देखिए इसमें कितने वायर हैं। तो आपको पहले इसमें फील्ड में दो वायर देखने को मिलते हैं। देखिए फील्ड में आपको दो वायर देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें फील्ड में जो कनेक्शन है ना थोड़ा अलग है। जितने भी फील्ड कॉइल अभी तक मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, तो उसमें आपको कैसे होता है, फील्ड में फोर वायर देखने को मिलते हैं। टू वायर आपको जो आर्मेचर है ना, आर्मेचर के जो कार्बन होल्डर में उसमें कनेक्शन होता है। इसमें ऐसे नहीं है। तो देखिए इसमें दो वायर है और इसमें जो आर्मेचर में जो कनेक्शन होता है ना इसमें सर्किट से देते हैं। तो इसमें फील्ड का जो कनेक्शन है ना इसमें आपको सीरीज देखने को मिलते हैं। सभी मशीन में आपको पैरेलल देखने को मिलते हैं। तो एक डायरेक्ट लाइन में होता है और एक आर्मेचर में, उसमें हम कनेक्शन देते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं है, इसमें कनेक्शन थोड़ा अलग है। तो आपको जो हम दिखाने की कोशिश करें आप देखिए,
इसमें कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो हमें चेक करना। देखिए आपको सर्किट से हम इसको दो आर्मेचर में जो कनेक्शन होता है ना वो दिए हैं, सबसे अलग है। तो दूसरे जो फील्ड होता है ना कैसे होता है वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए जो कस्टमर है उसको भी हम समझा रहे हैं, जो मशीन है थोड़ा अलग है। उसको खोलना है स्विच को, हमें फील्ड कॉइल को पहले हम चेक करेंगे, तो उसमें कनेक्शन को हम खोल के चेक करते हैं, तो मार्क कर लेते हैं। हिटाची कंपनी का CC14STA जो फील्ड है ना, तो ये फील्ड को हम आपको ओपन करके दिखाते हैं जो इस फील्ड में क्या होता है। सभी जो मशीन होता है ना पावर टूल्स मशीन है, उसमें आपको फील्ड कॉल कैसे होता है तो आपको पहले हम दिखा देते हैं। ये फील्ड में आपको 4 वायर देखने को मिलते हैं, इसमें जो 2 वायर है ना उसमें आपको कार्बन होल्डर में कनेक्शन देना है, और इसमें जो 2 वायर है इसमें आपको डायल लाइन कनेक्शन करना है। तो इसमें डायल लाइन कनेक्शन करने से चल जाता है, इसमें आपको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए दिए जाते हैं। और मैंने जो चेनसो मशीन खुला है उसमें जो सिस्टम है जो कंपनी ने टेक्नोलॉजी यूज़ किया थोड़ा अलग है, तो कंपनी ने और टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ किया है हमें पता नहीं चल रहा है। जिसका मशीन है वो ठीक से समझा नहीं पा रहा है, तो हमें इसको ढूंढना है। जितने भी मशीन में मैं सर्किट देखे हैं उसमें सर्किट का एक काम क्या होता है, उसमें जो स्विच होता है उसमें स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए रेगुलेटर होते हैं, स्पीड कम ज़्यादा होते हैं। इसमें ऐसे नहीं है, जो मशीन चला रहा था वो बोल रहा था। तो इसमें क्या कंपनी ने टेक्नोलॉजी दी है हमें इसको ढूंढना है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस वजह से मशीन चल नहीं रहा है उसको हमें पता करना है। मशीन में एक फंक्शन हो सकता है, मशीन बहुत ज़्यादा हीट होने से ओवरलोड में चलने से स्विच होता है उसमें ऑफ हो जाएगा, ऐसे कंपनी टेक्नोलॉजी शायद यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए इसमें आपको बॉडी में एक हीट सेंसर सर्किट देखने को मिलते हैं, बॉडी के साथ अटैच था, जब ओपन किया था आपको दिखाया है। मशीन में क्या टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ की मेरे को पता नहीं चल रहा है, तो हमें ढूंढना है। स्विच लैंप पे हमें फील्ड कॉइल को चेक कर लेना है, उसमें बॉडी हो रहा है, उसमें कनेक्शन बराबर आ रहा है, फील्ड कॉइल में कनेक्शन बिल्कुल ठीक ठाक है, उसमें शॉर्ट भी नहीं है। तो हमें इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सर्किट डला हुआ है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं जानते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं उसी के पास मेरे को खोल के लेके जाना है, तो उसके दिखाना है इसमें क्या टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ की है। तो सर्किट से कनेक्शन आ रही है नहीं आ रहा है उसको थोड़ा देख के बता दे, तो उसके बाद हम इसको फिटिंग करके देखेंगे। सर्किट यदि मानो ख़राब हो मिल नहीं रहा है तो हमें क्या करना है, सभी मशीन जैसे होता है तो सेम मैनुअल सिस्टम हम इसको यूज़ करके मशीन को चला के छोड़ देंगे।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। जितने भी नए मशीन ऐसे आएंगे, जो नए मशीन होता है उसमें जो भी जानकारी मेरे से हो पाते हैं आपके साथ शेयर करेंगे हर रोज़।